साई हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641। करजाइन बाजार में एनएच 106 पर लोगों ने की धान की रोपाई। राघोपुर प्रखंड के करजाइन बाजार सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए गुस्साए लोगों ने बुधवार को एनएच 106 पर धान की रोपाई कर सड़क निर्माण कंपनी व प्रशासन के प्रति रोष जताया। स्थानीय दुकानदारों एवं लोगों ने बताया कि यह सड़क 5 वर्षों से जर्जर की स्थिति में है, मगर इस समस्या को सुनने व देखने वाला कोई नहीं। हर बार बारिश के मौसम में स्थानीय बाजार वासियों से लेकर राहगीरों के लिए यह सड़क परेशानी का सबब बन गया है। पहले निर्माण कंपनी बाजार में अतिक्रमण का वास्ता देकर सड़क नहीं बनाती थी, मगर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण भी आज से 3 माह पूर्व ही खाली करवा दी गई, जिसके बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं होने से लोग अपने घर से निकल नहीं पाते। दुर्गा मंदिर से लेकर भारतीय स्टेट बैंक तक सड़क की यह दुर्दशा है कि सड़क का नामो निशान तक दिखाई नहीं देता है। गड्ढे में तब्दील यह सड़क पर कहीं कमर भर तो कहीं घुटने भर पानी ही पानी दिखाई देता है। वाहन चालकों को गड्ढे में पानी भरे रहने के कारण सड़क का कुछ अता पता नहीं चलता। हर रोज वाहन चालक गड्ढे में गिरकर जख्मी हो रहे हैं। वाहन चालक अपनी जान हथेली में लेकर इस मार्ग से गुजरने को विवश है। कोई समस्या को सुनने देखने को तैयार नहीं। आखिर कब तक बाजार की यह दशा रहेगी? एक रोज बारिश हो जाने से सप्ताह भर जल जमाव की समस्या रहती है। करजाइन में जल जमाव की समस्या काफी जटिल बन चुकी है। इस कारण एनएच 106 पर लोगों ने प्रशासन व निर्माण कंपनी के विरुद्ध रोष जताते हुए 20 सड़क पर धान की रोपाई की है। एमके न्यूज इंडिया के लिए करजाइन से लक्ष्मीकांत झा की रिपोर्ट। बाजार का है, यहाँ पर हमारा एटीएम है, मोबाइल का दुकान है, पतंजलि का दुकान है, ये सारा बंद है। ये आश्वासन देता है और चला जाता है, बस गड्ढा खनता है, मिट्टी उठा करके ले गया। यहाँ पानी लगा हुआ है, देखिए जब भी हम लोग कहते हैं तो आता है मशीन लेकर के, हवा लेकर के मिट्टी उठा लेता है, चार ट्रक चला जाता है, गड्ढा बना करके रख दिया, पूरा मार्केट को नर्क बना दिया है। आप लोग धान रुपाई कर रहे हैं तो हम लोग आखिर करेंगे क्या? सड़क कंपनी के विरुद्ध में, सड़क कंपनी और सरकार दोनों का निष्क्रिय काम है, दोनों लापरवाही कर रहा है। सड़क कंपनी और सरकार दोनों का ही वही हालत है।